आज हम स्टैंडर्ड 12 यूनिट 10 हेलो आल्केन एंड हेलो एरिन कंपाउंड के बारे में हम जानेंगे। तो आज हम यहाँ पे देखते हैं हेलो आल्केन एंड हेलो एरिन कंपाउंड। हमको पता है इस हिसाब से हेलोजन जो कंपाउंड है, तो हेलोजन के अंदर हम देखते हैं कौन से एटम आते हैं, कौन से एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो इतने एलिमेंट्स जो है वो हमारे हेलोजन कंपाउंड के हैं। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे देखते हैं कि हेलो आल्केन कंपाउंड हम किसको बोलेंगे कि जो भी आल्किन चेन होता है वो आल्किन चेन के अंदर से कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है वो एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और उसी प्लेस पे वहाँ पे एक हेलोजन प्रेजेंट होगा। तो कोई भी हमारा यहाँ पे का आल्किन चेन ले लेते हैं, मानो कि हम यहाँ पे इथेन ले लेते हैं। तो इथेन के अंदर यहाँ पे CH3 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 है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, कोई भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा हेलोजन कंपाउंड। तो ये हमारा हो गया ये आल्किन चेन और ये हेलोजन के साथ कनेक्टेड हो गया, तो इसके हिसाब से हम इसको बोलेंगे हेलो आल्केन। इसी तरीके से हमारा होता है हेलो एरिन के अंदर। हेलोएरिन के अंदर हम किस तरीके से करेंगे कि जो एरोमेटिक रिंग है, तो एरोमेटिक रिंग के अंदर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है, तो उसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ से कहीं रिमूव हो जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा हेलोजन कंपाउंड। तो इसको हम बोलते हैं हेलो एरिन कंपाउंड। तो इस तरीके से हेलो आल्केन एंड हेलो एरिन कंपाउंड जो है हमको इस चैप्टर में यहाँ से स्टडी करना है। हेलो आल्केन और हेलो एरिन कंपाउंड जो है वो ज़्यादातर मेडिसिन में मैक्सिमम इसका यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है तो उसको किल करने के लिए इसका यूज़ होता है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे उसका हेलो आल्केन और हेलो एरिन के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यहाँ पे जो करना है, तो क्लासिफिकेशन के लिए कि जो भी हमारा हेलोजन कंपाउंड है वो आल्केन और एरोमेटिक रिंग में जैसे भी कनेक्टेड होता है तो वो कहाँ कहाँ कनेक्टेड हुआ है, किस तरीके से कनेक्टेड हुआ है, उसको क्या कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो हेलोजन एटम कितने अंदर प्रेजेंट है, तो इसके हिसाब से भी हम यहाँ पे उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये बड़ा सिंपल है, इसके अंदर हमको खाली सिर्फ हेलोजन का नंबर देखना है कि पूरी चेन के अंदर, पूरी कार्बन चेन के अंदर कितने हेलोजन कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट है, बस हमको वही कैलकुलेट करना है और कुछ करना नहीं। तो देखते हैं कि CH3 CH2 Cl, तो इसके अंदर कितने हेलोजन कंपाउंड प्रेजेंट है, एक हेलोजन कंपाउंड प्रेजेंट है, तो इसको हम कौन सा बोलेंगे, मोनोहेलाइड। इसी तरीके से अगर यहाँ पे CH3 CHCl CHCl CH2 कर देते, तो मतलब यहाँ पे कितने हेलोजन कंपाउंड प्रेजेंट है, दो हेलोजन कंपाउंड प्रेजेंट, तो ये डाईहेलाइड हो गया, ये एक हेलोजन प्रेजेंट है तो मोनो, दो हेलोजन प्रेजेंट है तो डाईहेलाइड। इसी तरीके से हम देखते हैं कि मानो कि यहाँ पे तीन हेलोजन प्रेजेंट है, तो थ्री हेलोजन प्रेजेंट है, तो इसके हिसाब से हम इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राहेलाइड। इसी तरीके से मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्साहेलाइड के हिसाब से ले सकते हैं। ज़्यादातर हम करते हैं कि एक मोनोहेलाइड जो है उसके बाद के जो है, ये चैप्टर के हम करेंगे कि इसके बाद के जो डाईहेलाइड, ट्राईहेलाइड, टेट्राहेलाइड के जो भी सारे हेलाइड है वो सबको हम पॉलीहेलाइड के हिसाब से बताएंगे। सब सारे पॉलीहेलाइड, एक मोनोहेलाइड मिला तो मोनोहेलाइड, बाकी के सारे पॉलीहेलाइड में भी हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन है sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। तो sp3 और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से जो देखते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो भी हेलोजन कंपाउंड है, जो भी कार्बन से कनेक्टेड है, वो कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है उसका, उसके हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। कि मानो कि हमारे पास जो भी हेलोजन है वो हेलोजन जो फर्स्ट कार्बन से कनेक्टेड है उसके हिसाब से हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है sp3 और sp2। तो हम फर्स्ट देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से यहाँ पे तीन तीन टाइप में उसका क्लासिफिकेशन किया गया, अल्कली हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। तो अल्कली हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। तो उसमें हम फर्स्ट देखते हैं
अल्कली है। ये बड़ा सिंपल है, अल्कली हैलाइड में हमको करना है कि जैसे भी हेलोजन कंपाउंड जो भी कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन हमारा sp3 होना चाहिए, और वो कार्बन और कितनी अल्केन चेन से कनेक्टेड है वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। मानो कि हमारे पास ये हेलोजन है, ये हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए, लेकिन सब सिंगल बॉन्डिंग होना चाहिए इसका, तो ये हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मानो कि ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, और ये अल्केन चेन से कनेक्टेड है, तो मतलब हेलोजन वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला है और वो एक अल्केन चेन से कनेक्टेड है, तो मतलब ये हो गया प्राइमरी हैलाइड, ये हमारा हो गया प्राइमरी हैलाइड। इसी तरीके से हम दूसरा लेते हैं कि हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो दूसरी और दो अल्केन चेन से कनेक्टेड होता है और एक हाइड्रोजन है, तो मतलब ये हो गया हमारा सेकेंडरी हैलाइड। इसी तरीके से हम तीसरा ले सकते हैं कि हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो और तीन अल्केन चेन से कनेक्टेड है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये हमारा हो गया टर्शियरी हैलाइड। तो प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्शियरी हैलाइड, तो इस तरीके से हम इसका ले सकते हैं। अभी इसका एग्जांपल देखते हैं, हम इसके अलग अलग एग्जांपल जो है तो वो देखते हैं। तो प्राइमरी हैलाइड के एग्जांपल देखते हैं, तो CH3 CH2 Cl, तो ये हमारा हो गया प्राइमरी हैलाइड, क्योंकि हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, और वो कितनी अल्केन चेन से कनेक्टेड है, एक अल्केन चेन से कनेक्टेड है। इसी तरीके से हम देखते हैं CH3 CH2, मानो कि हम यहाँ पे ब्रांच डाल देते CH3 CH2 CH2 Cl, ये हेलोजन है, वो ये जो कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है sp3, और वो कितनी चेन से कनेक्टेड है, एक ही चेन से कनेक्टेड है, तो इसके हिसाब से ये हो गया हमारा प्राइमरी। तो ये दोनों हमारे एग्जांपल प्राइमरी हैलाइड के हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी हैलाइड के लिए, मानो के CH3 CH CH3 Cl, तो इसके पास कितनी चेन कनेक्टेड है, और ये कार्बन जो कनेक्टेड है वो सब सिंगल बॉन्डिंग वाले, तो इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया और दो अल्केन चेन से कनेक्टेड है, तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी। इसी तरीके से हम देखते हैं CH3 CH2 CH CH3 Br, तो मानो कि ये Br जो है जो कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये कार्बन हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला है, और वो कितनी चेन से कनेक्टेड है, दो चेन से कनेक्टेड है, तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी हैलाइड। उसके बाद हम टर्शियरी में जाते हैं, तो CH3 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 Cl, तो ये जो Cl है जो कार्बन से कनेक्टेड है उसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, सब सिंगल बॉन्ड वाले है, और कितनी चेन से कनेक्टेड हो गए, ये तीन चेन से कनेक्टेड हो गए, तो इसके हिसाब से हो गया हमारा टर्शियरी हैलाइड। उसी हिसाब से हम आगे देखते हैं CH3 CH2 C CH2 CH3 CH3 Br, तो इसके अंदर भी हम देखो तो 1, 2 एंड 3, तो ये भी तीन चेन से कनेक्टेड है, तो ये हमारा हो गया टर्शियरी हैलाइड। तो प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड और टर्शियरी हैलाइड, इस तरीके से हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन हो गया हमारा एलाइलिक अल्कली हैलाइड। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड एलाइलिक हैलाइड, तो एलाइलिक हैलाइड के लिए हम जाते हैं आगे। उसके बाद है हमारा अल्कली हैलाइड, अल्कली हैलाइड हमने देख लिया, अभी हम जाते हैं एलाइलिक हैलाइड के पास। तो एलाइलिक हैलाइड के अंदर हम देखते हैं कि हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन तो हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए, क्योंकि हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो एलाइलिक हैलाइड के अंदर जो हेलोजन कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए, और उसके पास वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला जो मिला, तो वो हमारा हो गया एलाइलिक हैलाइड। हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है, हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए, और उसके पास वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए।
तो हमारा हो गया वो एलाइलिक हैलाइड। तो मानो कि हाइड्रोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको हम अल्फा बोल देते हैं, और उसके पास वाला जो कार्बन है उसको हम बीटा बता देते हैं। तो जो हाइड्रोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो अल्फा है, और उसके पास वाला जो कार्बन है वो बीटा है। तो मतलब कि बीटा जो कार्बन हमारा होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। तो हमारा बनेगा एलाइलिक हैलाइड, मतलब सेकंड नंबर का एलाइलिक हैलाइड बनेगा। तो ये एलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल हम देखते हैं अभी। तो एलाइलिक हैलाइड, तो एलाइलिक हैलाइड के अंदर CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH, CH2Cl। तो ये हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो अल्फा, उसके पास वाला कार्बन जो है वो बीटा। तो हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है उसको हम बताएंगे यहाँ पे जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उसके पास वाला जो बीटा है उसके पास डबल बॉन्ड है, तो इसके हिसाब से इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। तो मतलब ये हो गया आपका एलाइलिक हैलाइड। उसके बाद दूसरा देखते हैं, तो यहाँ पे हम देखोगे तो ब्रोमीन लिया है, तो ब्रोमीन जो कार्बन से कनेक्टेड है उसको हम अल्फा बता देते हैं, उसके पास वाला जो है एक बीटा इस तरफ है एक बीटा इस तरफ है, मगर ये जो कार्बन है वो हमारा sp3 वाला है, मगर ये जो बीटा है वो भी sp3 वाला है। तो मगर दूसरा जो बीटा कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है। तो इसके हिसाब से हम इसको बता सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड के अंदर एक भी बीटा कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला आपको मिल जाता है तो वो आपका हो गया एलाइलिक हैलाइड। तो ये हमारा हो गया एलाइलिक हैलाइड। अभी साइक्लो ग्रुप में हम देखते हैं, तो साइक्लो ग्रुप के अंदर मानो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड एक और यहाँ पे हमारा कोई भी एक हेलोजन डाल देते, तो ये एक हेलोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो कार्बन है वो कार्बन को हम अल्फा बोल सकते, ये जो कार्बन है वो हमारा बीटा हो जाएगा, ये जो कार्बन है वो हमारा बीटा हो गया। तो ये जो बीटा वाला एक, ये बीटा है sp3 वाला है, मगर ये बीटा हमारा sp2 वाला है, तो एक बीटा भी sp2 वाला प्रेजेंट हो गया, तो ये हमारा हो गया एलाइलिक हैलाइड। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3, CH2, CH3, Cl। तो अभी यहाँ पे देखोगे ना तो एक क्लोरीन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो अल्फा है, उसके पास एक बीटा है, एक बीटा यहाँ है और एक बीटा यहाँ है, टोटल तो 3 बीटा कार्बन है, मगर ये बीटा कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है, तो इसके हिसाब से हम इसको बोल सकते हैं एलाइलिक हैलाइड। तो ये हमारा एलाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मानो कि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे एक हेलोजन प्रेजेंट है, तो हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो अल्फा और ये हो गया हमारा बीटा। तो ये बीटा कार्बन वाला है तो डबल बॉन्ड वाला है, तो ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है, तो बीटा sp2 वाला है, तो ये हमारा हो गया एलाइलिक हैलाइड। उसके बाद हमारा है बेंजाइलिक हैलाइड, तो ये हमारे एलाइलिक हैलाइड के एग्जांपल हो गए। ये भी उसकी तरह का है, पर इसके अंदर क्या है कि ये जो बेंजाइलिक हैलाइड है तो हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो भी हमारा sp3 वाला होना चाहिए, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का क्लासिफिकेशन कर रहे, तो हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो sp3 वाला होना चाहिए, मगर उसके पास वाला जो कार्बन होगा वो एरिन रिंग वाला होना चाहिए, यानी कि एरोमेटिक रिंग वाला sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 ही आएगा, मगर उसके अंदर क्या था कि कार्बन की चेन थी एलाइलिक के अंदर, बेंजाइलिक के अंदर क्या है एरोमेटिक रिंग है, तो हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला, मगर उसके पास वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है, मगर एरोमेटिक रिंग वाला है हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये हो गया हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये हमारा बेंजाइलिक हैलाइड होगा। तो इसके एग्जांपल हम देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड के, तो बेंजाइलिक हैलाइड के अंदर देखोगे तो ये हमारी एरोमेटिक रिंग है, एरोमेटिक रिंग के अंदर CH2 Cl है, तो इस हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो अल्फा है, वो पास वाला जो कार्बन है वो बीटा है, तो
बीटा कार्बन जो है हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है, तो इसके हिसाब से ये हो गया हमारा बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड के अंदर हम और एग्जांपल भी देख सकते हैं यहाँ पे, कि मानो कि हमारा दूसरा एग्जांपल CH3Cl, तो ये अल्फा है, ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, मगर ये बीटा कार्बन sp2 वाला है, मगर एरोमेटिक रिंग वाला है, तो इसके हिसाब से ये भी हमारा है बेंजाइलिक हैलाइड ही है। इसके बाद हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं, CH3Cl CH3, तो इसके अंदर भी हम देखोगे तो ये भी बीटा कार्बन है और ये जो है हमारा एरोमेटिक रिंग वाला है, तो ये तीनों हमारे बेंजाइलिक हैलाइड के एग्जांपल है। तो ये बेंजाइलिक हैलाइड के हम एग्जांपल इस तरीके से ले सकते हैं। तो अल्कली हैलाइड, उसमें हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी किया, उसके बाद हमने देखा एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड में क्या था कि हैलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड था वो sp3 वाला, मगर उसके पास वाला जो कार्बन था वो sp2 वाला था, एटले बीटा कार्बन हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। उसके बाद बेंजाइलिक हैलाइड, तो उसमें भी सेम है, हैलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला है, मगर उसके पास वाला जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है और एरोमेटिक रिंग है वो जो कार्बन है वो एरोमेटिक रिंग वाला है, तो इसके हिसाब से हम उसको बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। अगर एरोमेटिक रिंग नहीं होती है तो हम उसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। तो इस तरीके से हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हम कैसे कर सकते हैं, तो वो आप देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से देखेंगे विनाइलिक हैलाइड और एराइल हैलाइड। ये बड़ा सिंपल है, इसके अंदर हमको क्या करना है कि जो हैलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन ही हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए। हैलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन ही हमारा sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला होना चाहिए, तो ये हमारा हो गया विनाइलिक हैलाइड। तो ये हमारा विनाइलिक हैलाइड हो गया। इसके एग्जांपल देखते हैं हम, तो इसके अलग अलग एग्जांपल में मानो के CH3 CCH डबल बॉन्ड CHCl, तो हैलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो हमारा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन है, तो इसके हिसाब से हमारा हो गया विनाइलिक हैलाइड। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ डबल बॉन्ड है यहाँ Cl है, तो हैलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड अल्फा कार्बन ही हमारा sp2 वाला है, तो इसके हिसाब से ये हमारा हो गया विनाइलिक हैलाइड। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं, हैलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है मतलब ये अल्फा है और ये डबल बॉन्ड वाला है, तो मतलब ये हो गया हमारा विनाइलिक हैलाइड। अभी दूसरा एक और है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड में हैलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन हमारा एरोमेटिक रिंग वाला होता है, तो एरोमेटिक रिंग वाला जो कार्बन होगा, तो ये कार्बन जो है जो अल्फा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है, तो इसके हिसाब से हमारा हो गया एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड के अंदर हम उसके एग्जांपल लेंगे तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन आयोडोबेंजीन ले सकते हैं, मानो कि ये क्लोरोबेंजीन है, तो ये क्लोरोबेंजीन है, इसी हिसाब से हम ब्रोमोबेंजीन ले सकते हैं, तो क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन जो है वो हमारे एराइल हैलाइड के एग्जांपल है, तो इस तरीके से इसके एग्जांपल हम ले सकते हैं, तो इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अभी हम अलग अलग एग्जांपल लेके इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्या कैसे इसको अलग अलग तरीके से उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। आप अपनी तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं इसको कि कौन सा उसका आंसर आ सकता है, तो अब तक मैं और एग्जांपल लिख रहा हूँ, तब तक आप ट्राई भी करिए साथ में।
अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है, तो वो कार्बन हमारा कौन सा है? अल्फा। उसके पास वाला जो कार्बन है वो बीटा, और यह अल्फा कार्बन sp3 वाला है, मगर बीटा कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? एलाइलिक हैलाइड। तो इसका आंसर क्या आएगा? एलाइलिक हैलाइड। मगर तो ये एलाइलिक हैलाइड तो हो गया, मगर ये जो हेलोजन है वो कितनी अल्केन चेन से कनेक्टेड है? तो ये हेलोजन वाला जो कार्बन है वो टोटल एक अल्केन चेन से कनेक्टेड है, तो मतलब ये हो गया प्राइमरी। तो इसका दो क्लासिफिकेशन हो गया, दो आंसर आ सकते हैं। पहला आंसर है एलाइलिक हैलाइड है ये, तो बीटा जो है हमारा sp2 वाला है, तो मतलब ये एलाइलिक हैलाइड है, और हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो एक अल्केन चेन से कनेक्टेड है पूरा, तो इसके हिसाब से ये हो गया हमारा प्राइमरी हैलाइड। तो इसका आंसर है प्राइमरी हैलाइड और एलाइलिक हैलाइड। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब ये अल्फा कार्बन, वो ही sp2 वाला है, तो मतलब ये हो गया हमारा विनाइलिक हैलाइड, और एक ही चेन से कनेक्टेड है पूरा, तो मतलब ये हो गया प्राइमरी। उसके बाद यहाँ पे भी हम देखेंगे कि हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो अल्फा है, और उसके पास वाला जो कार्बन है वो बीटा है, तो ये जो बीटा कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है, मगर sp2 के साथ साथ ये कौन सा है? एरोमेटिक रिंग भी है, तो ये हो गया हमारा बेंजाइलिक हैलाइड, और हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है उसके पास एक एरोमेटिक रिंग है, तो मतलब ये है प्राइमरी हैलाइड। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हेलोजन जो है जो कार्बन से कनेक्टेड है वो हमारा अल्फा हो गया, उसके पास एक बीटा यहाँ है, एक बीटा ऊपर है, और एक बीटा यहाँ पे है, तो टोटल तीन बीटा कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, मगर एक बीटा, ये दोनों sp3 वाले, मगर एक बीटा कार्बन जो है हमारा sp2 वाला है, तो मतलब ये हमारा हो गया एलाइलिक हैलाइड। और इसके पास कितनी अल्केन चेन कनेक्टेड है? ये हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन से कितनी अल्केन चेन कनेक्टेड है? तीन अल्केन चेन कनेक्टेड है, तो मतलब ये हो गया टर्शरी, तो ये हमारा टर्शरी भी है और कौन सा है? एलाइलिक हैलाइड है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हेलोजन जो कार्बन है वो अल्फा, यहाँ पे ये बीटा है, यहाँ पे एक बीटा है, तो ये बीटा वाला जो कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मतलब ये कौन सा होगा? sp2 वाला, तो ये sp2 वाला प्रेजेंट है, तो मतलब ये हो गया बीटा sp2 है तो एलाइलिक हैलाइड, तो एलाइलिक हैलाइड है, और दो बीटा प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी। उसके बाद हेलोजन जो कार्बन से कनेक्टेड है ये अल्फा, तो अल्फा ही हमको यहाँ पे sp2 वाला मिल रहा है, अल्फा हमारा sp2 वाला है, तो इसके हिसाब से ये हो गया विनाइलिक हैलाइड, और एक चेन से कनेक्टेड है, मतलब ये हो गया हमारा प्राइमरी। इसी तरीके से आप अलग अलग प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि कहाँ कहाँ से अलग अलग जगह से थोड़ा बहुत निकालो और उसको प्रैक्टिस करो, तो इसके हिसाब से आप उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हो। तो ये आपको जो क्लासिफिकेशन है जो MCQ के अंदर और शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको इसका काम आ सकता है। ओके, थैंक यू।